प्लीज वेलकम बैकग्राउंड में हम आपको अपना राजभर आज आपके सामने Z1000 और इसकी जो मॉडिफिकेशन है वो दिखाने वाला हूँ आपको। पहले तो बाइक की जो लुक है ना वो चेक करो, बाइक का जो कलर है वो है इसका ब्लैक, बट इसको कन्वर्ट कर देगा ब्लैक एंड ग्रीन के अंदर। लुक चेक करो इसकी फ्रंट से कैसी आ रही है, फिर उसके बाद साइड से भी चेकआउट करो कि किसकी किस तरीके से आ रही है। ग्राफिक की जो इसकी डिज़ाइनिंग दी गई ना वो अलग ही लुक निकल कर रहा है, आगे से लेके पीछे तक, साइड से ले लो, टेल ले लो, चाहे आपका ग्रैब रियर ले लो, हर जगह आपको इसकी जो ग्राफिक देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको नियॉन ग्रीन वाला, जो कि आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से देखने को। इसके बाद इधर से देखो थोड़ा सा, ये देखिए सेम जैसे आपने उस तरफ देखा इसी तरीके से मिलेगा आपको इस तरफ भी। लुक चेक कर लो किस तरीके से लुक इसकी निकलने वाली है, जो जब रोड पर निकलेगी ना ये तो भैया की वैसे तो पहचान बनी होगी राइडर के साथ में, क्योंकि भी राइडर ग्रुप को ज्वाइन करा गया उन्होंने, बट इनकी बाइक अलग ही नज़र आने वाली है ये डैम श्योर, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ क्योंकि ना पहले ने सिर्फ फ्रंट का करा रखा था, तो अभी भैया ने मुझे एक पिक दिखाई तो उसके अंदर मैंने अलग पूछा भैया ये आपकी बाइक है ना, कहते हैं हाँ, तो अब तो इसमें सारा कुछ चेंज हो चुका है ग्राफिक के मामले में। तो और उसके बाद अब दिखा दो इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या क्या इसके अंदर की गई है। पहले आप देखेंगे फ्रंट के अंदर ही मिलेगा आपको इसके अंदर GoPro GPS माउंट, जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर लगा चुके हैं, जिसमें GoPro भी लगा सकते हो, इंस्टा भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो इसके अंदर। और ये होल नहीं किया गया, ये इसके वाइजर के स्क्रू होते हैं उसी के ऊपर कस दिया गया है, सिंपली इजी टू फिटेड। और उसके बाद आपको दिखाऊँ नीचे की तरफ इसके अंदर देखने मिलेगी आपको, ये देख सकते हैं ये इसकी शॉक प्रोटेक्शन, ये इसका फॉक्स लैडर, शॉक प्रोटेक्शन फॉक्स लैडर। ये ज़्यादातर गाड़ी में क्यों लगाता हूँ ये मैं आपको रीज़न बता ही देता हूँ, वैसे एयरपोर्ट में बताता हूँ, लेकिन इसमें डीपली होकर बताया दो कि इसका रीज़न क्या होता है लगवाने का। सबसे पहले तो कलर मैचिंग हो जाती है बाइक से, जैसे कि भैया ने ग्राफिक कलर से ग्रीन कलर की, तो ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया, लुक इनहेंस हो गई दोनों, इधर भी सेम मिलेगा उस तरफ लुक के लिए। लुक चेक कर लो पहले, ये देख रहे हैं आप दोनों तरफ से लुक इनहेंस हो गई है। अब इसका एडवांटेज, तो इसका जो एडवांटेज है वो ये होता है कि ये होता है यूएसजी शॉकर, और यूएसजी शॉकर जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। अगर इसके अंदर कुछ भी लगता है, इट मीन्स अगर इसके अंदर कुछ भी टच हुआ तो इसके अंदर लीकेज होने का खतरा हो जाएगा स्टार्ट, और लीकेज होने का मतलब कि समझ लो कि ये ख़राब तो पूरा आपको शॉकर ही चेंज करना पड़ेगा। सील ख़राब नहीं होती, सील ख़राब करेगा आपके निशान पड़ने के बाद, तो सील तो ख़राब होगी, साथ में शॉकर पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा, तो वो आपको नया डलवाना पड़ेगा। इसे लगाने से आपको पूरा शॉकर हो गया सेफ, पूरा ऊपर से नीचे तक सेफ हो गया, नीचे भी सेफ हो गया। और इससे ना ये जो शॉकर फॉर्क्स लैडर है इससे आपकी डिस्पीड सॉफ होती है, क्योंकि कोई भी अगर इस साइड से कोई आपको मारता ना इसके अंदर तो आपके पूरा का पूरा बचा देता है, फुल्ली करता है आपकी डिस्प्लेट को प्रोटेक्ट, जो कि आप देख सकते हैं। लुक भी हो गई, साथ में सेफ्टी मिल गई। सेम इधर से सेम देखने मिलेगा आपको इस तरफ, दोनों तरफ से आप लुक चेकआउट कर लो इसकी किस तरीके से आ रही है, और फुल हो गई आपकी फ्रंट से सेफ आपकी बाइक। और उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसका फॉग लैंप जो कि लगे हुए एच जी के इसके अंदर, इसकी भी रोशनी दिखाता हूँ कैसी आती है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको मिलता है तीन कलर, जैसे कि एक मिलेगा आपको देख सकते हैं वाइट, दूसरा मिलेगा आपको येलो, वाइट और येलो। उसके बाद मिलेगा आपको ये देख सकते हैं, ये इसका डेविल कलर, इसे कहते हैं डेविल कलर, जो कि आप देख सकते हैं लुक को चार चांद लगा देता है। जब नाइट में अगर चल रहे हैं तो देखो हेडलाइट्स तो दिख ही रही है, साथ में इसकी सिर्फ ये जला देंगे ना तो सामने वालों को पता लग जाएगा यार आगे कुछ आ रहा है, क्योंकि भैया लुक काफ़ी अट्रैक्ट करने वाली हो जाती है इसकी रेड कलर की ये वाली। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर एक और चीज़, ये मिलेगा इसके अंदर देख सकते हैं, ये इसका HJG का ओरिजिनल इसमें लगा दिया गया है, ये HJG का लगा रखा है चार्जर, जो कि नॉर्मल रेंज का है। आप चाहो तो इसके अंदर सिमटेक ओरिजिनल लगवा दिया, वो भी लगवा सकते हो, जो कि अपने पास सारे के सारे अवेलेबल है। और उसके बाद आपको मिलता है इसके अंदर देखने को फ्रेम स्लाइडर, जो कि इसके अंदर लगे हुए पहले से ही RNG के, ये लगवा रखे मैंने पहले से, जिससे इसकी पूरी वजह प्रोडक्ट आपकी फेयरिंग टैंक और आपके खुद के लैग्स। और जल्दी मैं इसका क्रैश गार्ड इसके अंदर लगाने वाला हूँ, अभी स्टाफ की कमी होने के कारण पड़ा हुआ मेरे पास बट मिला नहीं था, तो इसलिए अभी वो लगाया नहीं, नेक्स्ट राउंड में जब भी आएंगे तो क्रैश गार्ड इसका निकलवा के रखूँगा, वो क्रैश गार्ड दिखाऊंगा फिट करेगा किस तरीके से उसकी लुकिंग आती है लगने के बाद, और बाइक हो जाएगी फिर फुल सेफ। वो मेरे पास अवेलेबल ही ध्यान रखना इसका क्रैश गार्ड। और साथ में पहले HJG के ओरिजिनल ही देख सकते हैं, ये आपका 70 वाट की फॉग लैंप इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। लुक चेक कर लो इसकी पहले किस तरीके से लगाई गई है, प्रॉपर फिटमेंट है, कोई जुगाड़ नहीं है इसके अंदर, इजी टू फिटेड है, ऐसा नहीं कि हमने इसमें कोई बहुत ज़्यादा मशक्कत करी है, बट बहुत ही अल्टीमेट तरह फिटिंग है इसकी। और अब दिखाना चाहूँगा इसकी रोशनी, क्योंकि जब ये टूर पर निकलेगी ना या कैसी भी राइड पर निकलेगी और नाइट में वो राइड होती है तो मज़ा आने वाला काफ़ी है। देखिए ये इसकी रोशनी है इसकी, और इसके अंदर जो है ना हैजार्ड भी होता है, ये देखिए सिंगल डबल एंड ट्रिपल, ये दो तीन तरीके इसके पैटर्न के अंदर आपको मिल जाते हैं इसी लाइट के अंदर। और रोड प्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ जाती है आपकी, और आपको व्यू पूरा नज़र आता है रोड पर, आप चाहे ये जलाओ चाहे वो जलाओ, समझ लो रोड तो आपका हो ही जाएगा जब फॉग लैंप आप जलाओगे तब। और उसके बाद दिखाता हूँ इसमें, इससे देख सकते हैं
इसके अंदर लगा दे ब्रेक पैनल एक्सटेंडर, जो कि देख सकते हो ये भी इसका लगा देगा, इसका ब्रेक पैनल होता है छोटा सा, इसके अंदर ब्रेक पैनल एक्सटेंड करने लगा देगा इसका ब्रेक पैनल एक्सटेंडर। और इधर लगा देगा स्लाइडर, जो कि मिलेगा आपको एग्जॉस्ट स्लाइडर, ये इधर मिलेगा आपको ग्रीन कलर ब्लैक का सेम मिलेगा आपको, इस तरफ देख सकते हैं दोनों तरफ लगा देगा। इससे क्या है एग्जॉस्ट आपको प्रोटेक्ट हो जाता है, जब भी गाड़ी स्किट होती है गिरती है तो कुछ भी होता है आपका पूरे प्रोटेक्शन हो जाती है आपके एग्जॉस्ट की, और पीछे की पूरी बॉडी भी हो जाती है इससे सेफ। और अब दिखाता हूँ इसके अंदर ब्लिंकर से, देखिए ये ब्लिंकर इसके ओरिजिनल वाले ब्लिंकर्स हैं, जो कि आपको मिलेंगे कुछ इस तरीके से, पैटर्न्स के अंदर अलग मिल जाते देख सकते हैं। जितनी बार इसको मैं ऑन ऑफ करूँगा उतनी बार इसके पैटर्न्स हो जाएंगे चेंज, 7 to 8 पैटर्न मिल जाते हैं इसके अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है क्योंकि ये ओरिजिनल वाली है। नॉर्मली तो आपने देखा होगा जो हम लगाते थे, बट इसकी इसके अंदर भैया ने लगवाया ओरिजिनल उनकी चॉइस के अकॉर्डिंगली। और साथ में इसमें लगा दिया टेल टेडी, ये मिलती है आपको CNC वाली टेल टेडी जो कि आप देख सकते हो, ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दी गई है। साथ में इसमें लगा दिया KTM स्टाइल वाला इंडिकेटर, जो कि लुक चेक करो ये अभी के सिनेरियो में लगाए हैं, नेक्स्ट टाइम भैया आएंगे तो नेक्स्ट टाइम मैं इंडिकेटर भी इसके अंदर कुछ अपग्रेड करूँगा, क्योंकि भैया ना थोड़े से ऐसे चूजी वाले, जो लगा हुआ पसंद है वो लग गया, नेक्स्ट टाइम कुछ नया हुआ तो वो लगाएंगे इसके अंदर। साथ में इसमें मिलेगा आपको टैंक पैड ओरिजिनल, जो कि मिलेगा मोटोग्राफी का मिलता है आपको इसके अंदर टैंक पैड, जो कि देख सकते हो ये आपको ओरिजिनल इसी का है कार्बन ब्लैक की मैचिंग के साथ। और इसके बाद अब दिखाऊंगा इसे LUVNC के एग्जॉस्ट की साउंड, जो कि इसके अंदर ऑलरेडी पहले से लगे हुए हैं, इसकी भी साउंड सुनाए थे कैसे आने वाली है आपके पास, सुपर बाइक है तो साउंड तो अल्टीमेट निकल के आने वाली है इसकी। ये होती है आइडल पर, अब थोड़ा थ्रोटल दे देते हैं, काफ़ी क्लियर साउंड है भाई। तो LUVNC का इसके अंदर लगा दिए गए, ये है आपका रेप्लिका जो कि आप देख सकते हैं, और इसे लगाने से ना समझ लो जो रोड पे अगर आप निकलोगे तो आपको पता है सुपर बाइक का फील जब ही आता है जब इसके अंदर एग्जॉस्ट लगे हो। वैसे भैया और भी बहुत सारी बाइक्स हैं तो वो किसी न किसी में कुछ ना कुछ कराते रहते हैं, तो जैसे जो ये लाएंगे वो मैं सारी वीडियोस आपको दिखाता रहूँगा। और इसकी तो हो गई मोडिफिकेशन कंप्लीट, अब मिलाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है उनको कैसा लगा। तो हेलो सर, सबसे पहले सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम नवीन है, नवीन गुप्ता। और कहाँ से आए हैं बताइए? द्वारका। द्वारका, हाँ जी। तो आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वर्क? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और स्टाफ की बात करें या प्राइस की बात करें या क्वालिटी की बात करें सब बेस्ट है। मतलब मैं कहले कहीं और यहीं पीछे नाईवाला में काम कराता था, पर भैया से मुलाकात हुई लास्ट वीक में, मेरे से फर्स्ट टाइम हुई, पहले मेरे स्टाफ से हुई, तो स्टाफ का बिहेवियर इतना अच्छा लगा कि मैं दोबारा आया हूँ, तो बहुत अच्छा, नाइस, वेरी नाइस, सब कुछ बढ़िया। अब तक आपने स्टाफ का देखा तो हमारे बता थोड़ा सा। राजू भाई तो खैर मस्त आदमी है, लग ही नहीं रहा कि पहली बार मिले, पुरानी दल पिदल लग रही है हमारी। तो देखो ये पता क्या, हमेशा ना मेरी कोशिश ये होती है कि कोई भी हमारा भाई बंधु आता ना हमारे पास, किसी बाइक चाहे छोटी बाइक हो चाहे बड़ी बाइक हो, सेम रिस्पेक्ट अगर हम देंगे ना तो यार गिव एंड टेक होता है। कैसे बनता है? ऑब्वियसली बात है, क्योंकि मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि 25 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं वर्क कर रहा हूँ, वो दिखता है आपके काम से, दिखता है वो। थैंक यू सो मच सर, आपका आने मेरी बाइक को एक अलग ही लुक देने के लिए, ये सब मैंने सोचा नहीं था, राजू भाई ने करा दिया सारा। और नेक्स्ट टाइम कौन सी बाइक लाने वाले हैं आप? देखो आई थिंक डुकाटी डेवल, बाकी टेंशन मतलब भैया का ग्रुप भी आएगा। हाँ पक्का डेफिनेटली। चलो जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो ये थे भैया जिनकी बाइक थी, इनका काम हो चुका है ऑल अबाउट कम्प्लीटेड, जो कि देख सकते हो आप। और आपको भी कराना अपनी कोई भी बाइक, सुपर बाइक, नॉर्मल बाइक या फिर आपकी स्कूटी, कुछ भी हो, वैसे वो 90% वीडियोस मेरे चैनल पर डली हुई है, आप जाके चेकआउट करो राजू भाई SKD को, जो कि मिलेगा आपको यूट्यूब पर, सेम मिलेगा आपको इंस्टाग्राम पर भी। और वीडियो चले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो राजू भाई SKD को, मैंने बता दिया दोनों पर मिल जाएगा, यूट्यूब पर भी सेम मिलेगा इंस्टाग्राम पर। और लोकेशन और एड्रेस की तो ऐसी बात है, जब भी आप आते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन चेक करके आए पहली बात, तो उसके अंदर नंबर लोकेशन एड्रेस सब कुछ मेंशन है। बाकी फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है जो कि मेरा पर्सनल है 7822271 पर वाला, आप मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। और अगर नीचे बाकी जो डिस्क्रिप्शन नंबर है वो भी मिल जाएंगे, आप चाहो तो कर सकते हो, वो शॉप के नंबर होते हैं, तो आप कॉल करके लोकेशन मंगा सकते हो, कुछ भी क्वारीज हो सामान वगैरह की तो वो भी आपको मिल जाएगा ईजिली मेरी शॉप पर। और बाकी लोकेशन एक बार फिर भी समझाया तो आपको, जब भी आप आते हो मार्केट के अंदर तो भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग क्या होता है आ तो जाते हैं मार्केट के नाम से, पर क्या मार्केट के अंदर घुस जाते हैं, अंदर घुस के फिर उनको आओ जी बाओ जी ये जी वो जी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा अगर मेरे पास आना है तो आपको आना कैसे, जनरल मेट्रो स्टेशन के अपोजिट, और वहाँ पहुँचने के बाद जो हनुमान जी की बिग बड़ी वाली मूर्ति, विशाल मूर्ति, वहाँ पर आ गए तो मेरी शॉप पे आप ईजिली पहुँच गए हो, क्योंकि वहाँ से मात्र 100 मीटर का डिस्टेंस है, बिल्कुल जस्ट उनके अपोजिट, जो कि रास्ता जाता है आपका आर्य समाज रोड जिसका नाम है। ये आपका रोड कार मार्केट के लिए भी आएगा, बाइक मार्केट के लिए आएगा, और गफ्फार मार्केट के लिए सेम यही रोड है आर्य समाज रोड।
तो जैसे आप रोड के अंदर आते हो आर्य समाज पर, पहले चौक पर मिलेगी ये वाली शॉप, और एक दूसरी शॉप है मेरी वो भी मिलेगी आपको इसी वाले रोड पर जो कि नेक्स्ट चौक पर है। दोनों चौक पर तुम्हारे भाई की शॉप पर, टेंशन की बात है नहीं, कहीं भी कटोगे राजू भाई बोर्ड पढ़ देना बस, खाली राजू भाई का नाम जहाँ आपने देख लिया बस समझ जाओ मेरी शॉप पर ईजिली पहुँच गए हो। बाकी फिर भी आप कॉल कर सकते हो, अगर नहीं पहुँचते तो आज जहाँ होगे वहाँ से आप आपको लेकर आ सकते हैं। बाकी पता है आपको करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जब तक जय श्री मंत्री।